सभी लोग हम सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं। आशा करती हूँ आप भी अच्छा होगा। अभी तक आप थंबनेल देख लिया होगा। हाँ, हम सोच रहे हैं डेली ब्लॉग्स बंद करने के लिए, तो क्या रीजन है, कब ब्लॉग्स आएगा और नहीं आएगा आगे बता दूंगी। आप ब्लॉग कंटिन्यू करके देखते रहिए एंड तक। छना खाएगी? खाना नहीं खाएगी? तो खाना क्यों पूछ रही है? छना खाएगी? क्या खा रही है? मुँह में क्या है वो? आमला। चाहिए देखो। से हेलो टू एवरीवन। जो अच्युतानंद जो जो मुकुंद लाली परमानंद राम गोविंद जो जो लाली जो जो। इधर मैंने 2 चम्मच चना दाल और साथ ही साथ 2 चम्मच उड़द दाल ले लिया। इस सभी चीज़ को अच्छे से फ्राई कर ले। इसमें तेल डालने का ज़रूरत नहीं है, हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है इसको। अब इसी में मैंने 1 चम्मच करके सूखा नारियल ले लिया, उसको भी अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद मैंने इधर 1 तेज़पत्ता और 1/2 चम्मच घोल के और 1 दालचीनी और 2-3 लवंग और उसके साथ साथ 2 इलायची ले लिया। अब ये सभी चीज़ को अच्छे से फ्राई करेंगे। आज हम दोपहर में ना वांगी भात बनाने वाला हूँ, वो वाला रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। कर्नाटक का स्पेशल डिश है ये वांगी भात। उनका कंप्लीट नॉर्मल प्रोसेस में दिखा रहे हूँ, मतलब ओरिजिनल प्रोसेस है। लास्ट टाइम मैंने खुद का बनाया हुआ वांगी भात आपसे शेयर किया हूँ। तो अब सारा मसाला भूज रहे हैं ना, इसका अरोमा आ रहा है ना, बहुत ही मज़ा आ रहा है, ये खाने का मन कर रहा है। एक्चुअली इसको आप छोटी बिरयानी भी बोल सकते हैं, टेस्ट से एकदम बिरयानी जैसा ही आता है। अब सभी फ्राई हो रही है तो हम डाल रहे हैं 7 से 8 सूखा लाल मिर्च। आप तीखापन आपके अनुसार देख के डाल लीजिए। इधर मैंने नियरली 7 to 8 लाल मिर्च ही डाली थी, सूखा लाल मिर्च। अब हमारा पूरा मसाला भूज गया है, अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये वाला ब्रिंजल से वांगी भात बनता है। नॉर्मल जो एग प्लांट जैसे आते हैं ना, वो वाला ब्रिंजल्स मतलब नॉर्मल होता है, उसी से नहीं बनेगा क्योंकि वो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। इसीलिए ये वाला ब्रिंजल से ही वांगी भात बनाने के लिए कोशिश कर लीजिए। अब ये सब चीज़ ठंडा हो गया ना, इसी में छोटा सा इमली है वॉश करके साइड में रखी थी, इतना से डाल के इसको मिक्सी लगाएंगे। इस तरफ का दरदरा पीस लीजिए। थोड़ा सा तेल गरम होने के बाद सरसों और जीरा डाल दिया। अब इसी में थोड़ा सा हींग डालेंगे हम, बारीक कटा हुआ प्याज और मिर्ची। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, मतलब ट्रांसपेरेंट करना है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। ट्रांसपेरेंट करने तक प्याज को फ्राई करेंगे बस। तब इसी स्टेज में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, स्वादानुसार नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा हल्दी। प्याज अच्छे से कुक हो गया है। अब इसी में मैं डाल रही हूँ ब्रिंजल। एक्चुअली मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गए थे, अब प्याज भूजते हैं ना उसी समय डाल दीजिए। अब मैंने ऊपर से 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया। अब बैंगन को अच्छे से हम कुक करेंगे। जो भी मसाला पीस के रखा है ना वो डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। फ्लेम है ना एकदम लो में रख दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये फ्राई हुआ मसाला है ना, तो ज़्यादा फ्राई करने का ज़रूरत नहीं है, नहीं तो जल जाएगा। इसलिए लो फ्लेम में करके इसको अच्छा से मिक्स कर लीजिए एक बार। उसके बाद 2 मिनट के लिए इसको ऐसा छोड़ दीजिए। इधर मैंने चावल को पहले ही वॉश कुक करके रखी हूँ। ये 3 गिलास छोटा गिलास होते हैं ना, उसका 2.5 गिलास का राइस है। 2 मिनट के बाद जो भी चावल करके रखा है वो डाल देंगे इसमें। फ्लेम को बिल्कुल लो में रख के इसको मिक्स करना है, नहीं हो तो चावल नीचे चिपक जाएगा। इधर मैंने बिरयानी चावल यूज़ किया हूँ, आपको चाहिए तो इसको नॉर्मल चावल से भी बना सकते हैं, बिरयानी चावल का ज़रूरत नहीं है।
अब हमारा वांगी भात रेडी हो गया दोस्तों। अब इसको कवर करके 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, फ्लेम ऑफ भी करेंगे। अब 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे इसको। 10 मिनट के बाद आपको चाहिए तो गर्मा गर्म खा सकते हैं, नहीं होते तो बाद में भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ज़रूर एक बार ट्राई करके देख लीजिए। इस बार मैंने पूरा कर्नाटका स्टाइल में ही बनाई थी, मेरा स्टाइल में नहीं बनाया, तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देख लीजिए आपको कैसा लगा है, हमको नीचे कॉमेंट सेशन में बता दीजिए। आज से हम डेली ब्लॉग्स नहीं बना पाएंगे दोस्तों। प्रीवियसली मैंने जब भी हमारा चैनल स्टार्ट किया हुई एक एक ब्लॉग करके आपको डेली ब्लॉग्स लगा लेती थी, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस है। आने वाला समय में आपको ज़रूर बता दूंगी वो पर्सनल रीजंस क्या है, अभी नहीं बता पाऊंगी। और दूसरा चीज़ है, भूमि भी ग्रोन अप हो रही है, उसको भी टाइम देना पड़ रही है, अटेंशन देना पड़ रही है, बहुत ज़्यादा काम भी है मेरे को, ऑफिस का काम, घर का काम, भूमि को भी देखना, तो इसी वजह से मैंने डेली ब्लॉग नहीं बना पाऊंगी। और दूसरा पर्सनल रीज़न क्या है आपको आने वाला समय में बता दूंगी। अभी के लिए तो आपको 2-3 दिन में एक बार तो ज़रूर व्लॉग आएगा, ऐसा नहीं है हम व्लॉग्स ही नहीं बनाएंगे, 2-3 दिन में एक बार आएगा, लेकिन प्रीवियस जैसे ये डेली आपको व्लॉग्स नहीं होगा। तो आशा करती हूँ आप भी समझ सकते हैं, आने वाले समय में ज़रूर बता देंगे। ठीक है दोस्तों, आज का व्लॉग है ना इधर ही बंद कर लेंगे, कल मिलेंगे फिर से एक आदत से आ गई, फिर मिलेंगे हम एक नया व्लॉग में, हो सकते थे एक और रेसिपी के साथ मिलेंगे, भूमि का हरकत के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्ते, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।